दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज का दिन जो है कि होली का दिन है। आप लोग को सभी को होली की बहुत ही शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार को सभी को अपने तरफ से होली की शुभकामनाएं कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज जो वीडियो बनाने वाले हैं ना, एक मोटिवेशनल समझिए कि ओसीडी के दौरान जो है कि समझिए मोटिवेशनल वीडियो। देखिए दोस्तों, हमारे लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल आती है, प्रॉब्लम आती है, वो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए होता है। लेकिन हमारे साथ जो है कि ओसीडी सफरर हैं, वो कुछ ना कुछ हैबिट बन गया है जिसके कारण से जो हम लोग बार बार कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। देखिए कुछ ना कुछ हैबिट बना हुआ है हम लोग के अंदर जो है कि जिसके कारण से हम लोग फंस चुके हैं। लेकिन आज जो हम टॉपिक पे जो जैसे ही बात करने वाले हैं ना, उसको थोड़ा सा अपने अंदर जाने दीजिएगा, क्योंकि आज जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि आपके अंदर जाएगा। देखिए क्या होता है कि हम लोग का जो लाइफ मिला हुआ है, एक जो है कि जो 60 से 70 साल का जो हम लोग को जो लाइफ मिला हुआ है, देखिए बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है। ये गोल्डन पीरियड है, इसी में हम लोग को हंसना भी है, रोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, मस्ती भी करना है, दुख भी होगा और जो है कि खुशी भी होगा, पैसा भी कमाएंगे, पैसा भी उड़ाएंगे, फिर जो है कि लाइफ में खुशी भी होंगे, मस्ती भी करेंगे, फिर उसके बाद एक न एक दिन सबको मतलब चले जाना है इस दुनिया से। ये तो सत्य है कि मतलब हम लोग चले जाएंगे इस दुनिया से। लेकिन बात आता है कि अगर लाइफ में चैलेंज आ रही है तो उस समय खुश कैसे रहें। देखिए प्रॉब्लम्स, आप समझिए कि अभी जो आपके पास प्रॉब्लम्स आई है, ये जाने अनजाने में ये प्रॉब्लम्स, इसको आप चैलेंज के तौर पर देखें कि अगर चैलेंज के तौर पर देखते हैं, अगर आप ये प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, मतलब कि आपको एक मानिए जो है कि जब आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ये प्रॉब्लम आपको नहीं होता तो आप किस टाइप का फील करेंगे। आपको समझिए जिस प्रकार का भी ओसीडी है, वो हमको नहीं पता है। वो जैसे कि हमको जो ओसीडी है, हम अगर हमको जो ओसीडी था, हम जो ओसीडी से बाहर निकले, अभी जो ओसीडी से बाहर क्या एक दुनिया है, उस दुनिया को आप लोग अगर फील करते हैं, फिर देखिए कहीं ना कहीं जा कर के फिर पैसा कमाना होगा लाइफ में रहने के लिए, जो है कि कभी ना कभी बहुत सारा चीज़ है डेली नीड्स का, जो यूज का है वो हम लोग को लाइफ में पाना है। ये कहीं ना कहीं बहुत सारा चीज़ है लाइफ में। आप जो अभी जो प्रॉब्लम्स है, ये हमारे माइंड के लेवल पर है। ये जो है हमारा एक तरह से एक ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये जो है कि माइंड है, ये हमारा जो है माइंड के अंदर बहुत सारा स्ट्रक्चर है, जिसके कारण से जो हम लोग का न्यूरो पाथ जो है कि कुछ हैबिट बन गया होगा, वो हैबिट बन गया है बार बार करने का, जिसके कारण से क्या होता है कि आप और हम दोनों जो है कि पहले हम डर रहे होते थे। देखिए डर तो हर एक समय कुछ ना कुछ चीज़ का आदमी को रहना चाहिए। अगर डर नहीं रहेगा तो फिर तो ऊपर 3 मंजिल पे चढ़ जाए, लोगों को डर नहीं रहेगा तो यहाँ से नीचे देखने का, अगर डर नहीं होगा कूदने का तो फिर वो जो छलांग मार सकता है, मतलब इसका डर होना चाहिए कि मतलब छलांग वो यहाँ से ना मारे, यहाँ से छलांग मारेंगे तो गोना टूट सकता है, ये चीज़ का जो है कि डर होना चाहिए। लेकिन ये जो हमारे साथ ओसीडी में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब माइंड के अंदर जो बार बार करने का इच्छा आ रहा है, ये प्रॉब्लम जो है ना थोड़ा लोगों को बहुत ही परेशान कर देता है। आप भी इससे परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। क्योंकि उस समय जो क्या होता है, तो उस समय क्या होता है कि हमारा लाइफ जो है ना मतलब एक रुक जाता है, मतलब ये लगता है कि साला ये मेरे लाइफ में हो क्यों गया, क्यों हो गया। ये हम लोग को पता नहीं होता है कि कैसे ये जकड़ लेता है हम लोग को, लाइफ को। लाइफ जो है बहुत ही क्या बताएं, इस जो स्ट्रगल वाला लाइफ होता है उसमें जा कर के फंस जाना, बार बार एक ही ठाउट आना, सोए रहना, अकेला फील महसूस करना, लोगों को बताना भी तो लोग नहीं समझे, फिर लोगों को नहीं बता पाना, फिर जो है कि YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो बार बार देखे जा रहे हैं। देखिए ये सब जो है ना मतलब कुछ ना कुछ अंदर में ठाउट ये सब जो चलता रहना, कभी कभी लगना कि अरे यार दुनिया में है ही क्यों, चले जाए यहाँ से, इस दुनिया से, बहुत ही लाइफ से स्ट्रगल परेशानी आती है। लेकिन ये स्ट्रगल से आप अगर निकलेंगे तो क्या बन जाएंगे, ये समझिए।
ये ठाउर जो ये डर जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से आप ये सबसे निकलेंगे तो इसके अलग भी एक दुनिया है, तो उसमें अगर जाएंगे तो कितना क्या लाइफ होगा आपका, क्या बन जाएंगे, कितना डर आपके अंदर से जो है कि आप जो जिस चीज से डर रहे हैं अभी अगर उसको समझ लेंगे, उसको उससे जब बाहर निकलेंगे आप समझिए क्या लाइफ आपकी बनेगी, कितना जो है कि कितने लोगों के लिए आप जो है एक तरह से जो है कितने लोगों के डर भी आप दूसरे को भगा सकते हैं कि ऐसा ऐसा माइंड के अंदर ऐसा ऐसा ठाउट ऐसा ऐसा कि कब क्या आ जाए ठाउट कोई पता नहीं है। जब आप जैसे कि आप कहीं बैठे भी होंगे अभी तो जो कब क्या ठाउट आ जाएगा, लेकिन आप एक बात बताइए क्या आप जो बैठे जहाँ बैठे हुए आपके बगल में दीवार होगा पर्दा होगा कुछ होगा टीवी होगा क्या उसके बारे में कभी सोचते हैं उतना चीज नहीं सोचते हैं ना। हम लोग लाइफ में कुछ इच्छाएं होते हैं डिजायर होते हैं जो उसी को पकड़ करके जो है कि हम लोग डर रहे होते हैं उसी की फ्यूचर से लेके जो है कि मतलब डर चल रहा होता है अंदर में कि मेरे साथ ये ना हो जाए हमारे फैमिली के साथ ना हो जाए हमारे जो है रिश्ते हमारे जो हैं हमारा जो दोस्त है उसके साथ मेरा रिलेशन अच्छा रहे ऐसे ऐसे जो है कि बहुत सारा डाउट आता है। देखिए लाइफ एक स्ट्रगल है ही है, लाइफ में चैलेंज आते रहेगी आते रहेगी आते रहेगी, और जैसे उसको ये कौन ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें रिस्क नहीं लेना पड़ता है। पहले आप ये बताइए क्या आपने साइकिल चलाया होगा गाड़ी चलाया होगा आप जो है कि पढ़ाई किए होंगे कौन जगह रिस्क नहीं है आप ही बताओ। जो है कि आप गाड़ी चलाएंगे क्या बिना रिक्स का ही रोड पे चलते हैं कितना लोग लाखों हजारों लोग जा रहे होते हैं 10 लोग 20 लोग एक साथ जो है कि जा रहे थे वहां आप बाइक लेके जाते हो क्या वहां रिक्स नहीं है। आपने एक को अगर कुछ हुआ तो आपका कितना रुपया खर्च हो सकता है प्लस जो है कि कितना रुपया जो है कि कितना उससे भी उसमें भी कुछ ठाउट आएगा मेंटल लेवल प्रेशर बनेगा तो कितना चीज हो सकता है। तब पर भी गाड़ी चलाते हैं कि ना रिक्स तो सब जगह लेते हैं हम लोग। तो आप समझिए कि कौन जगह पढ़ाई करते हैं कहाँ ने मतलब कि आठ आठ 8 घंटा जो है कि स्कूल में रहना है वहाँ का टॉर्चर सहना याद कीजिए क्या वो टॉर्चर अच्छा लगता था नहीं लगता था लेकिन क्या करते थे वहाँ रिक्स था मतलब करना ही पड़ेगा हमारी लाइफ के लिए। इसी तरह से सब सब चीज़ में फिट होता है ये भी ठाउट आ रहे हैं। देखिए क्या होता है एक किताब में पढ़े थे कि काम करने से ही डर दूर होता है काम करने से, अगर आप काम करेंगे तो काम करने से आपका जो है कि डर दूर होगा। देखिए आपको ओसीडी में भी जो है आ रहा है ठाउट आने दीजिए कोई दिक्कत नहीं ठाउट से आप डर नहीं आप जो है कि जो आपको चैलेंज आ रही है उससे आप नहीं डर रहे होते हैं आप जो है ना आपके अंदर जो थिंकिंग चल रहा था उस ठाउट को लेकर के जो सोच आ रहा है उससे आप डर रहे होते हैं। आप ये समझने का प्रयास कीजिए ना वो जो ठाउट आ रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है उसके वजह से आपको जो फीलिंग आ रहा है आपका इमोशन जनरेट हो रहा है उससे आप डर रहे हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। अब क्या आप अपने फ्यूचर को देखिए कि देखिए क्या कि सच में जो चीज़ हम सोचे हैं वो चीज़ हुआ है। फ्यूचर के लेके जो चीज़ सोचते हैं वो 99% तक होता ही नहीं है वो हमारा इल्यूजन हमारा जो है कि देखिए एक चीज़ अभी 3 चीज़ के बारे में बताते हैं जिसमें कि आपका जैसे मन हो गया ये बुद्धि हुआ एक हमारा ये बॉडी है ठीक ये मन ये वह मन ये वह बुद्धि ये हमारा हो गया बॉडी। अब इस मन को देखिए क्या होता है ये मन कोई भी ठाउट ला सकता है मन जो है कोई भी ठाउट ला सकता है लेकिन ये बुद्धि जो है कि ये चेकिंग करने वाला है ये जो ठाउट ला रहा है ये मन जो ठाउट ला रहा है ये भेजेगा इनके पास चेकिंग करने के लिए। ये अगर जो है डिसीजन देता है कि आप जाके ये ठाउट सच है ये करो तो आपको जो है कि इस बॉडी के लिए जो है कि वो मतलब सही मानने लगता है। तो ये मन को जो है ना मन कोई भी ठाउट ला रहा है आप समझिए मन आपको डरा रहा है तो इससे चेकिंग करना ये बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है आपको इस बुद्धि से आपको क्या करना है ये जो ठाउट जो आ रहा था आपको इस ठाउट को सही और गलत पकड़ना है। अभी क्या हो रहा है ओसीडी में आपका ये हावी हो गया ये मन है मेरा ये जो है कि मन जो है कि इस पे हावी हो गया है तो ये क्या कर रहा है इस पे भी अपना बात को थोप देता है कि नहीं यही सच है। तो आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है मतलब रियलिटी को जानना है रियलिटी क्या होता है। फ्यूचर में कुछ भी हम लोग सोच लेते हैं वो गलत वो नहीं होता है ये जो फ्यूचर के लेकर जो निगेटिव हम लोग सोच लेते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता है रियलिटी को देखना है
देखिए हम लोग का माइंड क्या कहता है कि हर समय रिजल्ट के पीछे भागता है, रिजल्ट को हम लोग को नहीं पकड़ना है, हम लोग को जो है कि हम लोग को जो रियलिटी है वो उसको पकड़ना है और उस पर काम करना है। काम करने से हम लोग का डर दूर होगा। तो ये मन जितना भी ठाट लाएगा ये बुद्धि से उसको हमारे शरीर के लिए जो अच्छा है उसको पकड़ना है। क्या कि मन तो बहुत सारा ठाट लाएगा दोस्त, मन जो है कि ना मन बहुत ही कनिंग है, बहुत ही चंचल है, इसको बुद्धि से कंट्रोल कर सकते हैं। और थेरेपी सब है तो थेरेपी सब तो और सब वीडियो में बताने वाले ही थे। देखिए लाइफ में बहुत ही लाइफ बहुत अच्छे के लिए बना है, आप सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग की लाइफ बहुत ही अच्छी है। आप लोग की लाइफ जो है कि देखिए अभी कष्ट हो रहा है लेकिन जब कष्ट से निकलेंगे तो आप लोग की लाइफ में बहुत ही जल्द आप लोग का, मेरी तरफ से यही कामना है कि आप लोग का लाइफ में भी जो है बहुत जल्दी से वो खुशियाँ लौट करके आए कि आप लोग आगे चल के बहुत ही अच्छा कर सके, बहुत ही लाइफ के लाइफ मिला हुआ ही बहुत अच्छे काम करने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का भी लाइफ जो है कि अच्छे हो और आप लोग का भविष्य जो आने वाला होगा मेरे अंदाज से खुशनुमा हो, क्योंकि अभी अभी स्ट्रगल चल रहा है, अभी मतलब OCD का स्ट्रगल चल रहा है। जब आप OCD से बाहर निकलोगे तो बहुत आपकी लाइफ अच्छी, धीरे धीरे OCD निकलते जाएगी, आपकी लाइफ धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी। इस वीडियो में हम यही बताना चाहते थे आज की आप लोग से बात करें। होली का दिन है, होली का दिन में हम लोग खुशी से हम आपके साथ यहीं से ही होली का आप लोग को शुभकामनाएं देते हैं और आपके आपकी ज़िंदगी में जो OCD आ रही है वो ये रंगों के साथ धीरे धीरे ये रंगों के साथ साथ जो है कि वो आपका जीवन को हम चाहते हैं रंगीन बन जाए, मतलब खुशनामा बन जाए, जिसके कारण से बहुत सारे लाइफ है। देखिए हम लोग कपड़ा भी पहनते हैं, रंग बिरंगा पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं, खुशी के लिए ही पहनते हैं, जो है कि अच्छा लगे, अट्रैक्टिव बने। इसी तरह से रंगों के साथ जो है हम लोग का जो ये कष्ट है वो जाए और जो है कि हम लोग के लाइफ में खुशी का जो है कि माहौल आए। हम यही कामना करेंगे आप लोग के साथ ये सब जो है कि खुशी का माहौल बहुत जल्द ही लौट के आए। इस OCD में बस हम लोग को एक ही काम करना है, काम करना है मतलब एक्शन लेना है। एक्शन जो एक्शन ले रहे थे बार बार उसको रोक करके दूसरा एक्शन लेना है और जो है कि बुद्धि के मतलब रियलिटी चीज़ को देखना है और आप देखेंगे धीरे धीरे आपको बहुत ही अच्छा फील महसूस होगा। इस वीडियो में यहीं तक फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो आप लोग को कुछ हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो पर और भी हम अच्छा अच्छा चीज़ लाने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।